क्लास 12 का मनोविज्ञान का चैप्टर नंबर 6 है, अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान। उसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या अभिवृत्तियाँ अधिगत होती हैं, वे किस प्रकार से अधिगत होती हैं। प्रश्न है कि क्या अभिवृत्तियाँ अधिगत होती है, मतलब क्या अभिवृत्ति जो होती है हमारी, जो हमारे जीवन के बारे में जो पहचान है, क्या वो दूसरों में से ट्रांसफ़र होती रहती है, क्या समय और हालात के अनुसार बदलती रहती है, वे किस प्रकार से अधिगत होती है, अगर अधिगत होती है तो कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर दिया है हाँ, अभिवृत्तियाँ अधिगत होती हैं। सामान्यतः अभिवृत्तियाँ स्वयं के अनुभवों तथा दूसरों के अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती हैं। हमारी जो अभिवृत्तियाँ होती हैं वो समय ब समय समय के अनुसार अलग अलग होती हैं और स्थिति के अनुसार भी बदलती रहती हैं, और प्रत्येक मनुष्य का अभिवृत्ति भी अलग अलग होता है। तो ये जो कैसे आता है, हमारी अभिवृत्तियाँ आती कैसे हैं, तो सामान्यतः स्वयं के अनुभवों से आती हैं। हम जो स्वयं अनुभव करते हैं, संसार को देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, बहुत सारे मूवीज देखते हैं, गाने सुनते हैं, तरह तरह के जगह पर रहते हैं, तो वो सभी काम करने के बाद कुछ अभिवृत्तियाँ हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बनता है कि मेरा जीवन किस लिए है, हमारा जीवन, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, और हम मरने तक कौन सा काम करने वाले हैं। यही सोच जो होता है ना, अभिवृत्ति है आपका। तो एक तो आपके अंदर स्वयं उत्पन्न हो सकता है, या किसी दूसरे व्यक्ति को देखा देखी हो सकता है। वो व्यक्ति एक मेरे पड़ोस की ही लड़की है, वो पढ़ी लिखी है और पढ़ लिख कर एक अपने जिला में ही जिला पदाधिकारी बनकर आई है, DM बनकर आई है। तो एक अभिवृत्ति आपके अंदर उत्पन्न होता है कि ऐसा ही हम मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि उससे ऊपर पोस्ट पे जाए, या उसी के DM जैसा DM ही बन जाए, या उसी के नीचे वाला पोस्ट पे कहीं जाए। ऐसा भावना उठता है, हमारे अंदर अभिवृत्ति आती है, और हम भी ये सोच लेते हैं कि हम भी आने वाले समय में 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 8 साल के बाद हम भी उस DM की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये हमारे अंदर एक सोच उत्पन्न हो गया है दूसरों से, अपने अंदर से नहीं आया है, दूसरों को देख कर हम ये सोचे हैं कि हम भी कर सकते हैं। पहले तो हमको लगता ही नहीं था कि कोई लड़की पढ़ लिख कर DM बनती है, मगर जब ये मेरे बगल से बनी है ना, तो हमको विश्वास होने लगा है कि नहीं, पढ़ लिख कर हमारे जैसे, बात करने में तो नॉर्मल थी, हमसे बतियाती भी थी, उतना पढ़ने में तेज़ भी कहाँ थी, तो DM कैसे बन गई। तो आपके अंदर ये आता है ना भावना कि भैया नहीं, हम भी DM बन सकते, ये अभिवृत्ति उत्पन्न हो गया आपके अंदर, ठीक है ना। अधिगम की प्रक्रिया एवं दशाएं भिन्न हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में विविध प्रकार की अभिवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। ये प्रक्रियाएं और दशाएं अलग अलग होती हैं। आप किस सिचुएशन में हैं, कौन सी प्रक्रिया के थ्रू आप देख रहे हैं उसको, तो ये अलग अलग होती हैं, और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में अभिवृत्तियाँ अलग अलग उत्पन्न होती है, एक जैसा उत्पन्न नहीं होता। आप यहाँ पर अभी जितने स्टूडेंट बैठे हैं, सबकी चाहत एक जैसी नहीं है, सभी अपने जीवन के बारे में एक जैसा नहीं सोचते हैं, एक जैसा ही आपकी संतुष्टि नहीं होगी। सब आदमी यही नहीं सोचते होंगे कि मेरे पास ये होगा, किसी के पास उससे ज़्यादा, किसी का कम, या कुछ अलग, कुछ डिफरेंट भी होता है। सबकी अलग अलग सोच होती है, अभिवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं। तो आप बात करते हैं कि अभिवृत्तियाँ कैसे आती हैं अंदर, तो हम देखें क्या एक अपने आप से या दूसरों से, तो कैसे कैसे उत्पन्न होती है। देखिए, तो पहला है साहचर्य द्वारा क्या होता है कि हम देखते हैं क्या कि एक टीचर है, किसी विषय में बड़ा ही माहिर है, और वो टीचर उसी को पढ़ा कर एक बहुत अच्छा घर बनाए हैं, बंगला बनाए हैं, और प्लस में गाड़ी लिए हैं, प्लस में बहुत अच्छा उसका समाज में प्रतिष्ठा है, लोग बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो आपके अंदर ये सकारात्मक गुण आता है कि हम भी इस विषय को पढ़कर, जिस विषय को हम कुछ नहीं मानते कि ये मनोविज्ञान पढ़ने से क्या होता है, मगर उसी मनोविज्ञान को पढ़कर ये इतने अच्छे सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। ये सकारात्मक गुण आपके अंदर आया, ऐसे आप मनोविज्ञान को टच भी नहीं करते थे, पढ़ने का भी मन नहीं करता था, मगर उस व्यक्ति को देखकर, वो टीचर को देखकर आपको भी पढ़ने की जिज्ञासा बन जाती है। जैसे आप घर पे जाते हैं, मनोविज्ञान के बारे में कोई आपसे बात करता है, कोई व्यक्ति आपसे, बहुत पढ़े लिखे होंगे शायद, तो वो आपसे बात करेंगे, नहीं तो आपसे जनरली कोई लोग बात करते हैं, नहीं करते हैं बात, एक्स्ट्रा बातें करते हैं, सब कुछ खाना पीना, ये रहन सहन सबके बारे में बातचीत करेंगे, दुनियादारी, क्या कौन सा फिल्म रिलीज हुआ, क्या हुआ इधर दुनिया के, क्या चल रहा है, कैसे क्या क्या है, सब कुछ बात करेंगे, मगर मनोविज्ञान के बारे में जल्दी बात नहीं करेंगे, वही व्यक्ति करेंगे जो शायद इससे जुड़े हुए हैं। तो फिर बताइए, आप मनोविज्ञान का इंपोर्टेंस समझते ही नहीं हो, क्वेश्चन का क्वेश्चन कहाँ जीवन में कोई पूछता उछता है, एगो ये सर जी तेका बोलते रहते हैं, तेका एग्जाम में आता है, बस इतने दिमाग में आ रहा है आपको, है ना। और अगर हम मनोविज्ञान पढ़ाकर अगर बहुत बड़े शख्सियत बन जाएंगे, तो आप ही मनोविज्ञान को बड़ा अहमियत देते हैं कि नहीं दिया मनोविज्ञान, बहुत कुछ है, क्या क्या नहीं दिया इस सर को, देखिए कितना दिया,
तो आपके अंदर ये अधिगम आएगा कि नहीं आएगा, और आपके अंदर अभिवृत्ति बदले आया कि नहीं मनोविज्ञान के प्रति। अगला है पुरस्कृत या दंडित होने पर। कोई एक काम आप अच्छा करते हैं और विद्यालय में उसके लिए आपको पुरस्कार दिया जाता है। सपोज दैट आपने एक स्पीच दिया और स्पीच दिया, या आपने एक नृत्य किया, या आपने एक नाटक किया जो काफ़ी प्रशंसनीय है, अप्रिसिएटेबल है, और उसको अप्रिसिएट किया जा सकता है, उसमें कुछ शिक्षा मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये नाटक पर आपको एक पुरस्कार दिया जाता है, तो एक छोटा सा पुरस्कार ना आपको एक मोटिवेट करती है, आपको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, लगता है क्या कि मैंने कुछ अच्छा किया है। ये मायने नहीं रखता कि 1 करोड़ का पुरस्कार मिला कि 1 रुपया का पुरस्कार मिला है, ये मायने ये रखता है कि आपको पुरस्कृत किया गया, मतलब आप एक कुछ अच्छा कार्य किए हैं। जैसे आप एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलने के बाद आप ये पूछते हैं कि बुआ कौन मोबाइल खरीदी हो, या अचानक से एक मोबाइल ला के आपको दे देते हैं कि लो, कल तक तो मना करते थे कि मोबाइल नहीं देंगे, अचानक मोबाइल ला के दे दिए, कल लैपटॉप ला के दे दिए, या कोई अच्छा सा ड्रेस दे दिए आपको, कोई स्कूटी खरीद के ऑफर में दे दिए, तो आपको क्या लगता है भैया क्या कर दिए हम, तो अच्छा नंबर से पास किए हैं आप, जिला टॉप किए हैं, तो स्कूटी देना तो आम बात बनता है, तो आपको जो पापा जो है आपके स्कूटी दे दिए, आपके सर को भी अच्छा लगा, वो भी वो फ़ोन गिफ्ट कर दिए, कुछ और मामा को भी अच्छा लगा तो वो आपके लिए एक ड्रेस ले चले आए। तो ये क्या हो गया, पुरस्कृत किया गया आपको, तो आपकी छोटी बहन को लगता है कि वो छोड़ेगी पढ़ाई, वो और जम के तैयारी करेगी, तो दीदी 8-8 घंटा पढ़ते थे, हमको तो उसे ज़्यादा लाना है, रिपोर्ट तोड़ना है, वो 10-10 घंटा पढ़ना शुरू करेगी। तो ये अभिवृत्ति अंदर आया कि नहीं आया। और आप ही कोचिंग आते हैं, कुछ आप उद्यमता करते हैं, कुछ भी मिसबिहेव करते हैं, तो आपके बगल में जो आपके सिस्टर है या आपके घर में जो सिस्टर है उसको आने से ट्यूशन रोक दिया जाएगा, नहीं जान दिया ट्यूशन, नहीं जाना ट्यूशन तुमको, क्योंकि गलती आप कीजिएगा परिणाम उसको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नकारात्मक प्रवृत्ति होगा, आपको दंडित किया गया, आप कोचिंग से आए कुछ ऐसा उठपटांग हरकत किए जिसके कारण से पिताजी को पिटना पड़ा आपको, और आपको जब पिटाई लगी तो उससे क्या हुआ, एक घर में नेगेटिव माहौल बना, आपकी छोटी बहन को भी ये दिमाग में आया कि कोचिंग में नहीं जाना चाहिए, ये है वो होता है, कुछ आता है ना, तो नकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट है प्रतिरूपकरण, दूसरों के प्रक्षेपण के द्वारा। होता क्या है कि प्रायः ऐसा नहीं होता कि हम मात्र सहचर या पुरस्कृत या दंडित से ही हम लोग अधिगम प्राप्त करते हैं, या ये अभिवृत्तियाँ हमारे अंदर आती है, ऐसा कोई बात नहीं होता है। 3 चीज़ अभी पढ़ें आप, 2 चीज़ पढ़ें, 1 सहचर्य से, मतलब किसी को देखा देखी कर लेते हैं, 2 पुरस्कृत या दंडित होने से, और 3 खाली इतना ही नहीं होता है, 3 क्या करा, प्रतिरूपकरण से भी आता है। ये क्या होता है, जैसे आप देखते हैं क्या माता पिता बड़ों का आदर कर रहे हैं, जैसे आपके माता पिता जो है ना आपके दादा दादी का सम्मान करते हैं, उनको देखते हैं, उनका पैर दबा देते हैं, बुखार लगने पर उनको सेवा करते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, मल मूत्र साफ करते हैं, तो आपके अंदर एक डेडिकेटेड बात आती है, मेरे पिताजी कितने सब गाँव में मेरे पिताजी के बारे में लोग बड़ा बड़ाई करता है कि फलानवा के बेटा जो है ना उसके बाप को बड़ा सेवा करता है बुढ़ापा में, तो एक दिमाग में आपके अंदर एक आएगा भावना, जानते हैं क्या आएगा, मातृ सेवा की या पिता की सेवा करने की भावना आपके अंदर भी आएगी। आप भी सोचिएगा कि मेरे पिताजी मेरे दादाजी की सेवा करते हैं, तो मेरे पिताजी का इतना नाम चलता है, लोग उनका सम्मान करते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं हम भी करेंगे, हमारे अंदर भी ये गुण होना चाहिए कि जब मेरे पिता भी बूढ़े हो जाएंगे तो उनका भी हम सम्मान करेंगे, तो आपके अंदर एक सकारात्मक अभिवृत्ति आया कि नहीं आया। आज का नेगेटिव हो सकता है कि आपके पिताजी दादा दादी का सेवा नहीं करते हैं तो लोग गाँव समाज में हंसते हैं, तो इससे भी आप सीख सकते हैं कि भैया हम अपने माता पिता का करेंगे, या हम अपने माता पिता का नहीं करेंगे तो मेरा भी यही हाल होगा, हमें ना ये सब सीखता है कि नहीं सीखता, सो रही यह भी तो प्रतिरूपकरण हुआ ना, दूसरों के प्रक्षेपण से आप सीखे ना, दूसरे जो किए तो उससे जो सीखे आपके दिमाग में वो उसके प्रति कुछ भावनाएं आए ना, ये कहता है क्या प्रतिरूपकरण, क्या कहलाता है प्रतिरूपकरण। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समूह या संस्कृति मानकों के द्वारा अभिवृत्ति का अधिगम करना, समूह या सांस्कृतिक मानक के द्वारा, जैसे छठ घाटे जाते हैं और वहाँ पे चाहे छोड़िए छठ घाटे एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देते हैं कि कोई सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है, आरती लेकर आता है, वहाँ पे पैसे दान करते हैं तो आपको लोग कहता है बहुत अच्छा आदमी है, इतना पैसा दान किया है में, है ना, तो आपको लगता है कि दान देने पर इतना लोग बुराई कर, अरे फलनवा आदमी जहाँ जाता है ना गरीब सब देखता है ना, वहाँ पे 10-10 रुपया 20-20 रुपया 50-50 रुपया जितना क्षमता होता है उसको देता है दान, आप देखिए क्या, अरे उस वो आदमी वहाँ आया और उस आराधना में या उस पूजा में इतना रुपया दान दे के गया और उसका इतना ज़्यादा नाम चल रहा है, गाँव में लोग उसको सम्मान कर रहे हैं कि अच्छा आदमी है, पैसा के साथ साथ घमंड नहीं है उसको, पैसा दान दे देता है, तो आपके अंदर भी ये तो भावना जग जाएगी ना कि हम भी बड़े हो जाएंगे पैसे कमाएंगे तो हम भी पैसे को दान करेंगे, हमारा भी नाम होगा,
हमारे भी लोग इज्जत प्रतिष्ठा करेंगे, हमारे हमें भी इज्जत इज्जत प्रदान करेंगे, ये जिज्ञासा है जगह ना। तो अभिवृत्ति यहाँ से भी उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं क्या, समूह या सांस्कृतिक मानकों के द्वारा उत्पन्न हुआ है आपको, समझे। समूह में रहते हैं, संस्कृति में रहते हैं, जैसे कि पूजा स्थल पर आप जाते हैं वहाँ पे मिठाई चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, कुछ धार्मिक अनुकांड करते हैं, आप वहाँ पे जूता खोल कर जाते हैं, नदी में प्रवेश करते हैं, तालाब में प्रणाम करते हैं, तो लोग आपको देखते रहे इतना बड़ा आदमी है, कार से आया है, जूता पहने हुआ था इतना, फिर भी जूता खोल के नदी में पोखरी में, इतना गंदा पोखरी था, फिर भी उसमें घुस के आस्था देखिए कितना आस्था था, कोई पोखरी में घुस के या प्रणाम कर रहा है, अरे वो हम हैं। देखिए लोग कितना अच्छा करे कि देखो तो बैंक में 80,000 का महीना कमाता है, 1,00,000 का महीना कमाता है, 2,00,000 का महीना करता है, आ कार है उसके पास, इतना नौकर चाकर है, स्विमिंग पूल है, फिर भी आके यहाँ पर घाट पे आके पूजा कर रहा है, कहीं ना कहीं ये तो एक बड़ी बात है। तो हम लोग को भी करना चाहिए, हम लोग भी अच्छे बड़े बन जाएंगे, या अभी भी हम लोगों को करना चाहिए, हमको भी जूता तो देखा जाए कि लेकिन कितना आदमी जूता खोल के वो भी आएगा प्रणाम करने, पहले मुठ बनाता है कि ना जाएंगे प्रणाम कर, जूता खोलने से फिर जूता फिर पहनना पड़ेगा, कादो लग जाएगा, फिर कहता ना कोई बात नहीं बाद में धो लेंगे, उतना आदमी गया था ना हम ना जाए, ये देखा था कि भावना आया कि नहीं। इसको भी कहते हैं क्या, समूह में रहे ना, तो समूह में सब करता था, आप भी कहते हैं हम वो कर ही लेते हैं ना, होता है जैसे आप जा रहे हैं, आप किसी पुजारी बाबा को नहीं मानते हैं, तो बताए सब ढोंगी हैं पाखंडी है, मानते हैं, आपके दिमाग में एक आइडिया है, आप पुजारी को ढोंगी मानते हैं पाखंडी मानते हैं, मगर 10 को लोग साथ जाते हैं, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भैया, आपके दोस्त सब प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या आपको क्या आप नहीं करते हैं, कहते कर लेते हैं, नहीं माने चाहे माने कर ही लेते हैं, ये क्या हो गया, ये आपके अंदर अभिवृत्ति कैसे आया, ये आपको अभिवृत्ति आया समूह में रहने के कारण से, संस्कृति को देखने के कारण से आपको दिमाग में आ गया, आया कि नहीं आया, तो यहाँ से भी आता है। अगला है सूचना का प्रभाव से भी अधिगम आता है, सूचना का प्रभाव, आप यहाँ से सोच कर जाते हैं कि भैया हम जाते हैं घर पे और हम जाते हैं और आराम से आकर बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसे घर जाते हैं अभी अभी आपके मोबाइल पर मैसेज टन से गिरा कि अभी अभी भी मार्ट पे ना मैसेज आया है कि एक वो टी शर्ट खरीदने पर दूसरे का टी शर्ट ऑफर आया, नहीं ना आया अभी आया, देखिए मनोविज्ञान पढ़ते हैं ना, तो दिमाग में ये सब सही रहता है, तो भी मार्ट में अभी खरीदे वन गेट बाई वन गेट बाई थ्री वाला कुछ में से ऑप्शन आया कि इतना का वाउचर है, अब जैसे आपके मैसेज में आया तो आप जा रहे थे पढ़ने, अभी फेयर करना था और सुनाना था, आपके दिमाग में आ गया चलो भी मार्ट से आइए जाते हैं पहले, अभी 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 12 घंटा के लिए ऑफर रहना जाएंगे तो कल नहीं रहेगा ऑफर, तो आप जाके और टी शर्ट खरीद के लिए आते हैं, तो ये आपको क्या किया, सूचना के सूचना का प्रभाव है वो कि आपने उसको ऑर्डर कर दिया है ना, अभी आप यहाँ से जा रहे थे तभी वहाँ पे एक ऑफर लगा कि आइए 3 महीना में मात्र इंटर की तैयारी कराई जाएगी बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ऊपर से मैट्रिक पास करने वालों को 2,000 रुपया दिया भी जाएगा, तो आपको तेरे भैया छोड़ सर जी जाए भी नहीं करते हम इधर गाड़ी सीधे ट्रैक बदल लेते हैं, तो आपके सूचना का प्रभाव पड़ा ना, सूचना सुने तो सूचना के लिए क्या कहिए, आप कल से यहाँ गायब हैं, हम बोलेंगे क्या सर वो नहीं सर हो गया सर छोड़ दीजिए अब हो गया तैयारी, अब वो आप जा रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ फ्री पढ़ा रहा है पैसा भी देगा ऊपर से इंटर पास करने में, तो आप कोई भी बच्चा को स्वाभाविक है किसी को भी अच्छा लगेगा कोई भी छोड़ देगा, हम भी रहते तो छोड़ देते वहाँ चले जाते, मगर ये सब बात क्या है, आपको ये सोचना का अधिगम सोचने के कारण से ना बदल लिए हैं अपना अभिवृत्ति लाया है, आपको हमसे कोई दुश्मनी नहीं है मगर फिर भी आपको ज़्यादा वहाँ बेनिफिट लगा तो वहाँ चले गए है ना, मगर हम नहीं करेंगे। नंबर 3 अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करिए या व्याख्या करें, अभिवृत्ति मतलब आपके अंदर जो आता है वो कौन कौन से कारक है जो उसको प्रभावित करता है, कौन कौन से ऐसे कारक है जो उसको प्रभावित करता है, उस कारकों की व्याख्या कीजिए, तो आंसर क्या दिया, अभिवृत्ति निर्माण करने वाले कारक निम्नलिखित है, आपके अंदर अभिवृत्ति कहाँ कहाँ से निर्माण होता है, उसके कारक कौन कौन प्रभावित करता है, ध्यान से सुनिएगा इसको क्योंकि ये आपके जीवन से संबंधित है, आप कहाँ कहाँ से आपके अंदर अभिवृत्ति आती है सबको ध्यान से समझिए, पहला है परिवार एवं विद्यालय का परिवेश, सबसे जगह अच्छा जगह आप कहाँ से सीखते हैं कोई भी चीज़ को, अभिवृत्ति को कहाँ से सीखते हैं, पहले आप जन्म लिए तो कहाँ पे थे, परिवार में थे, परिवार में आप देखते हैं पहले, जैसे जैसे बड़े होते हैं बोलना चिल्लाना गुस्साना हंसना रोना कहाँ सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, हैं थोड़ा बड़ा होते हैं तो क्या करते हैं गार्जियन लोग, उसका नाम लिखा जाते हैं कोचिंग में स्कूल में, फिर जहाँ कोचिंग स्कूल में जाते हैं वहाँ के टीचर वहाँ के बच्चे उन सब से सीखते हैं, है ना, कि कब गुस्सा आना है कब चिल्लाना है कब झजक के बोलना है कब डांटना है कब पीटना है, उसने किसने सीखा, बच्चा डांटता है एक बार बोलता है ए हमको दूध लाओ, नहीं देते जोर से बोलता है दूध लाओ जोर से बोलता है, तो कहाँ से सीखा है, क्योंकि वो बचपन देखा है ना घर में कि पापा बोलते हैं मोबाइल लाओ मोबाइल दिया एक बार ठीक है ना ए मोबाइल लेकर डांटते हैं तो माने के बस
प्लीज़ डांटते हैं तो समझ आते हैं बच्चा को, एक बार जब नहीं देता है दोबारा में डांट के बोलना पड़ता है, उसके दिमाग में सेट कहीं ना कहीं हुआ है तब ना बोल रहा है वो। आपको यह है कि बच्चा कहाँ से सीख लिया डांटना, भैया आप ही से सीखा है वो, बच्चा कहाँ से सीखेगा जो, भैया आपसे सीखा है, नहीं तो स्कूल में गया है तो टीचर से सीखा होगा, नहीं तो दोस्तों से सीखा होगा, ये ना हुआ, यही बात होता है। नेक्स्ट क्या है, संदर्भ समूह। आप जिस समूह में रहते हैं ना उसका ही से कल्चर सीखते हैं धीरे धीरे आप। इवन एक बच्चा को बकरी के साथ रख दिया जाए ना तो धीरे धीरे बकरी का भाषा ही सीखने लगेगा, बकरी जैसा बोलना, बकरी जैसा मिमियाना, बकरी की आवाज़ों को समझना ऑटोमेटिक करना शुरू कर देगा वो, समूह जैसा रखेगा उसे। एक बच्चा को अगर शेर के साथ रखा जाए तो शेर की भाषा को भी समझने लगेगा और शेर की तरह बोलने भी लगेगा, उसके इंसानों की बात समझ में नहीं आएगी। इंसान का बच्चा कोई शेर के साथ रखेंगे ना तो शेर वाला भाषा सीख लेगा, क्यों ये प्रयोग किया गया ना कि एक इंसान के बच्चा को उसके साथ रखा गया तो उसी का बात आया, मतलब क्या हुआ, उसका भाषा सीख लिया, उसका संस्कृति सीख लिया, क्यों, संगत का प्रभाव है, संदर्भ समूह का प्रभाव है ना। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत अनुभव। प्रत्येक आदमी का एक व्यक्तिगत अनुभव भी तो होता है, अपना अनुभव भी तो करता है, आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, इससे कुछ फील भी तो करते हैं, महसूस भी तो करते हैं, ज्ञान इंद्रियाँ हैं, इसी से हमारे अंदर ज्ञान प्रवेश होता है। तो क्या आप उसे नहीं कुछ सीखते हैं, तो सीखते हैं तो वही सब ना दिमाग में आपके आता है, वही ना आप उसी से ना अभिवृत्ति को उत्पन्न कर लेते हैं, आप समझ जाते हैं कि वो ऐसा करने पे ऐसा होगा तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए क्या, कि भैया हम अभी से ठीक से पढ़ेंगे तो अभी से भी नंबर ला सकते हैं, क्योंकि हम पिछले साल देखे थे कि जो लड़की तीन चार 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 महीना में तैयारी कर ली है तो इंटर बहुत बेहतरीन नंबर लाई है। तो आप क्या कहते हैं, पूरे पाठ को रिवाइज करना शुरू कर देते हैं, एक एक पॉइंट को याद करना शुरू कर देते हैं, जम के भीड़ करते हैं, एकदम मेहनत करते हैं, सारे पॉइंट को रट लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछे तो कहीं ना कहीं ये जज्बा कहाँ से आया आपके अंदर उस बच्चे को देखकर। और व्यक्तिगत अनुभव भी तो हुआ ना आपको कि मैट्रिक में हम जाएंगे, वो तो देखकर हुआ, देखकर करना है वो दूसरा चीज़ हो गया, वो क्या कहलाता है, जो देख कर कराते हैं क्या कहलाता है उसको, अभी ना बताया थोड़ा पहले ना ना, उसको क्या कहते हैं, साहचर्य द्वारा बेटी, साहचर्य के द्वारा सीखे हैं। मगर यहाँ पर क्या है आपका व्यक्तिगत अनुभव, मतलब कि आपने मैट्रिक में तैयारी किया, मैट्रिक में जो काम किया उसको करने से उसको उतना नंबर आया, तो आप समझ जाते हैं कि मैट्रिक में जब हम इतना मेहनत करके पढ़े थे तो हमको इतने नंबर आया था, इसका मतलब इंटर में उतना मेहनत करके ना पढ़ना पड़ेगा, हमको इंटर में बदलना पड़ेगा पैटर्न, अगर हमको रिजल्ट बदलना है तो तरीका भी बदलना पड़ेगा, मैट्रिक वाला तरीका से पढ़ेंगे तो फिर वैसा ही होगा जब मैट्रिक में हुआ, क्या उसे भी ख़राब हो जाएगा कहीं अगर उसे अगर ठीक से नहीं पढ़े तो। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम देखे थे कि मैट्रिक में हम सिर्फ दिखावा के लिए पढ़ रहे थे, दिखावा के लिए रिजल्ट भी आया, मगर हम पढ़ रहे थे नर्वसा जाते थे तो नर्वस आने से रिजल्ट ख़राब हो गया, तो आपका इंटर में भी वही हाल होगा ना, तो उसे सीख नहीं रहे हैं आप कि नर्वस कब नहीं होना चाहिए हमको, साथी से काम लेना चाहिए हमको, याद कब करना चाहिए हमको, रिवाइज कब करना चाहिए हमको, सेल्फ टेस्ट कब लेना चाहिए हमको, ये सब निर्धारित करेंगे ना हम, प्रतिदिन हम कितना चैप्टर को रिवाइज करते हैं, कितना चैप्टर को हम पढ़ते हैं प्रतिदिन, ये सब आपको करना पड़ेगा। व्यक्तिगत अनुभव है ना आपके पास, ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैट्रिक का दिए हैं तो आपका पास पर्सनल एक एक्सपीरियंस है ना एग्ज़ाम का, आप तो कोई डरा नहीं सकता कि सेंटर पर ऐसे होता वैसे होता है, डर नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपको अनुभव है सेंटर पर कैसे होता है और कैसे जाते हैं तो वहाँ पर क्या काम आता है। जब हम क्वेश्चन पकड़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसके बाद कहते हैं अरे भैया क्वेश्चन तो पढ़ा पढ़ा सा लग रहा, अरे पढ़े हुए हैं, याद आया याद आया याद आया, टिक लगाते हैं, कितना बनाना है, दस में से पाँच, अरे पाँच को याद हो गया हमको इसको बनाना है, पढ़ा उसके बाद आप बनाने बैठते हैं, अरे बनाते 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 रटे हुए याद लिख लेते यार बीच में भूल गए और उसका आगे याद ही नहीं पड़ रहा क्या है, बैठे हुए सोच रहे हैं फिर पता चला कि नहीं भैया टेंथ में ऐसे ही छोड़ दिए थे ना, तो समय खत्म हो गया था तो कॉपी ले लिया था, अरे भाई ये क्वेश्चन जब आधा आया तो आधे छोड़ के रुक लें, अगला क्वेश्चन लिख रहे ताले, याद आ गया तो बाद में लिख लेंगे उसको, नहीं तो छोड़ देंगे उतने पर, अगला क्वेश्चन कल रोकने जाए तो अगला जो क्वेश्चन लिख रहा है वो याद आया वो में से लिख लिया, तो फिर वो याद आया वो में से लिख लिया थोड़ा सा, वो अरे क्वेश्चन याद आ गया लिखते लिखते तो वो में लिख लिया, नहीं याद आया तो उसने छोड़ दिए, तो इस तरह से पाँचों क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, पाँचों क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का नतीजा क्या हुआ आपका, पाँचों क्वेश्चन में से नंबर आएगा आपका, समय थोड़ा थोड़ा छोड़े हैं तो समय से थोड़ा नंबर नंबर कट गया आपका, तब पाँच पाँच नंबर का क्वेश्चन है तो पचास पच्चीस नंबर तो आया, पच्चीस से बीस से नंबर तो आया, पाँच नंबर कट गया समय से, तो मगर एक ही जब आप ध्यान देते रह जाते तो कितनों सही लिखते तो पाँच नंबर ना आता, नहीं समझे, तो ये ट्रिक कहाँ से सीखे आप, ये व्यक्तिगत अनुभव से सीखें, पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखें आप, किसी ने आपको सिखाया नहीं है,
कि नहीं कुछ ना, आपको कुछ सिखा नहीं रहा, आपको एग्ज़ाम दिया तो आपको पता नहीं है कि कैसे करना चाहिए क्या। एग्ज़ाम में जाके हम बात कर रहे हैं, अच्छा एग्ज़ाम में गए अचानक बात करने का मौका मिल गया, बतिया रहे हैं, हालांकि मोबाइल नहीं है, सेंटर पे गए सेंटर में झगड़ा कर लिए, आपको पता नहीं कि सेंटर में झगड़ा करने से क्या दुष्परिणाम होता है, तो याद के रहते हुए भूल जाते हैं, तो फिर झगड़ा क्यों किए आप? वो पता था, क्योंकि आपको पता नहीं है लेट जाने से प्रेशर बनता है, एग्ज़ाम के सेंटर पे लेट जाते हैं तो प्रेशर बनता है, पहले पहुँच जाते बहुत ज़्यादा पहले पहुँच जाते तो भी आलस पहुँच महसूस होता है, तो थोड़ा ऐसा टाइम पे पहुँचे कि जाकर वहाँ आधा घंटा रुकना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, घंटा रुकना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, है ना। घर से जब सेंटर की ओर निकलिए ना तो समझिए कि हम यहाँ से पैदल जा सकते हैं कि नहीं, उतना टाइम में निकल जाइए उतना देर पहले, मान लिया आपका यहाँ से सेंटर पर गया सीवर तो एक घंटा पैदल जाने में लगता तो एक घंटा पहले निकल जाइएगा, पहले समझ के समझ लीजिए पहले जा रहे हैं साइकिल से जा रहे हैं, इसे समझ लीजिए आप, उतना स्पीड लेकर चलिए आप, उतना रेंज लेकर चलिए, अब 12 बजे एग्ज़ाम है 6 बजे पहुँच गए सेंटर पे तो यही गलत बात है ना, 6 बजे भोरबे से बैठल है, 12 बजे एग्ज़ाम होने वाला, 2 बजे एग्ज़ाम होने वाला, 6 बजे भोरबा से 8 बजे भोरबा से बैठल है, ऐसा ना होता है पता है, उदासीपन हो जाता है आदमी को, बोरिंग लगने लगता है उसको, एग्ज़ाम का मज़ा ही ख़त्म कर लेता है, एग्ज़ाम का मतलब क्या, एग्ज़ाम सेंटर पे गए थोड़ा देर वहाँ पे गए। और चौथा नंबर पॉइंट है, वो चौथा नंबर पॉइंट जो आपके अभिवृत्ति के निर्माण करने के कारक है वो है क्या, आपका संचार माध्यम। वर्तमान एक समय था कि जब आदमी सिर्फ सुनकर या पढ़कर सूचना प्राप्त करता था, किताब में कहीं पढ़ा कोई नाटक और पढ़ के मुस्कुरा रहा है, कभी मुस्कुरा रहा है कि कहानी पढ़े बड़ा मज़ा आ रहा है, कहानी पढ़ के मज़ा आ रहा था, तब बाद में आया रेडियो सुनकर मज़ा आ रहा था कहानी, तब आया टीवी देखिए और सुनिए, तो पढ़ने का जमाना ही ख़त्म हो गया, अब देख के लोग सुन के इंटरटेन करने लगा है ना, अब तो घरे घरे टीवी हो गया, उसके बाद हाथे हाथे टीवी हो गया, मतलब वीडियो का, उसके बाद जो आता था गाना वो सुनिए, अब तो क्या है बोल के सुनिए, जो मन है वो सुनिए, जो मूवी देखना है जो पार्ट देखना है जो सीन देखना है वो सब आपके पास अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं आज इतना ज़्यादा संचार फैल गया है ना कि आपका तुरंत इमेज बदल देगा, तुरंत आपका इरादा बदल देगा, तुरंत आपका अभिवृत्ति बदल देगा। यहाँ से आप पढ़ के जाते हैं कि हमको बनना है IAS या IPS, सोच के जाते हैं, घर जाते हैं टीवी पर न्यूज़ सुनते हैं कि IAS का फोकस उतना अब अच्छा नहीं रहा है, अभी मेडिकल की तरफ बड़ा रुझान है या अभी बैंकिंग की तरफ बड़ा रुझान है, इसमें फैलरी बहुत अच्छा है, बहुत फैसिलिटी मिलता है, तो आपका इरादा बदलने लगता है, क्या भैया सीधे काम कर लेते हैं, है ना, समझ रहे हैं बात को, आप समझ लेते हैं क्या, यहाँ से जाते हैं तो सोचते हैं कि ये मोटे हैं थोड़ा सा हमको स्लिम होना चाहिए, आप जाते हैं न्यूज़ पर देखते हैं स्लिम बेल्ट लगाइए अपने आप को पतला दिखाइए, आप स्लिम बेल्ट तुरंत ऑर्डर कर देते हैं, वहाँ से लाते हैं स्लिम बेल्ट लगाते हैं, पतला कि आपका मांसपेशी जकड़ल जो है ना और परेशानी उत्पन्न हो गया, कई दवा खाइए आपका मोटापा का चर्बी तुरंत गला के गिरा देगा, आप वो दवा खाएं पता चला कि किडनी आपका गला के गिरा दिया, ऐसा होता है तुरंत काम करने वाला काम, तो आपको ये सब कहाँ से प्रभाव पड़ रहा है, आपके अभिवृत्ति कौन बदल दिया, आप तो कह रहे थे कि हम जैसे हैं वैसे ठीक है, तब फिर घर जाके आपका विज्ञापनों में कैसे फंस गए, आप प्रचार में कैसे फंस गए, प्रचार तो ऐसा है कि आपको देखिएगा क्या कि वो तो ऐसे प्रचार करेगा कि अभी मात्र चार बचा हुआ है, सिर्फ चार अभी ऑर्डर कीजिए, अभी चार सिर्फ चार बचा हुआ है, अब ये तीन बच चुका है बस तीन आपके लिए अभी ऑर्डर कीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये नाप तल के बाजार बाजार पे अभी ऑर्डर कीजिए, दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए ऑर्डर कीजिए, भैया आपको लगा कि करिए लेते ना तो कहीं गायब हो जाएगा, ये बेडशीट के साथ तकिया का कवर फ्री है, देखिए ये मौका बार बार मिलता है, हम कम्बो से देखिए डिजाइनिंग देखिए क्या शाइनिंग है, आपके घर में गेस्ट आते होंगे तो क्या बिठाते वैसे बिठाते, इतना ना आपको प्रताड़ित करेंगे, अरे भैया हमारे बारे में कह दो कहा ले ही ले ची, आप माने कि जब सोचते हैं कि 2 साल बाद खरीदने वाला वो खरीद के रख लेते हैं क्या हुआ, सहने वाला चीज थोड़ी ना सड़ेगा, सोचिए क्या मार्केटिंग बेस्ट स्ट्रेटजी है, ये आपके वृद्धि को बदल देता है, कौन बदल दिया, संचार, इतना भयंकर भयंकर प्रचार बनाए, इतना ना भयंकर भयंकर ऐड बनाए हैं, मतलब ऐसा ऐड बनाया कि लोग पागल हो जाए देख के, एकदम पागलपन वाला, बताइए कहीं ऐसा। अगला है क्वेश्चन, क्या व्यवहार सदैव व्यक्ति के वृत्ति को प्रतिबिंबित करता है, एक प्रासंगिक उदाहरण देते हुए इसके व्याख्या कीजिए, क्या व्यवहार सदैव व्यक्ति के वृत्ति को प्रतिबिंबित करता है, आपका जो व्यवहार है क्या वही अभिवृत्ति है, आपका जैसा व्यवहार होगा वही अभिवृत्ति होता है, ऐसा नहीं ना होता है भैया, आप बड़ा ही अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा संस्कारी बच्चा है, आप जहाँ देखते हैं बोलते हैं प्रणाम सर आइए बैठिए नाश्ता कीजिए चाय पीजिए, हमेशा बोलते रहते हैं, जब भी आपके घर जाते हैं तब आप बुलाते हैं सर बैठिए ना सर चाय पीजिए ना सर नाश्ता बना देते हैं सर नाश्ता करके जाइएगा,
खाना भी बना दे, नाश्ता करते थे खाना, ऐसे खाना खा के जाइएगा। तो आपका ही व्यवहार खराब नहीं, अच्छा है, आप अच्छा रखते हैं, शिक्षक का बड़ा आदर करते हैं, मगर अचानक आपके एक दिन हम घर घड़े पहुँचे, आपका कार्ड दिए थे और आपकी बड़ी दीदी का शादी था उसी में हम पहुँचे, आप हमारे बातें नहीं कर रहे हमसे, देखो क्या हो गया, हम जब गए वहाँ पे आप देखे आ चले गए, बातें नहीं कर रहे हैं। कहते बोले सर बैठिए ना, नाश्ता कर के जाइए सर, नाश्ता कर, हम बैठे हुए हैं कुर्सी पर, कोई नाश्ता कर देने आया नहीं भैया। तब गए, बड़ी बड़ा घमंडी हो गया है लड़की, बताइए कैसे ना, असंस्कारी लड़की है, बड़े घमंडी लड़की है, क्या ये मेरा सोचना सही है, मेरा सोचना सही है, क्या वो लड़की घमंडी है, उसका व्यवहार घमंडी हो गया, नहीं वो प्रेशर में है, उसके घर में शादी है, वो प्रेशर में है बेचारी, तो हमको समझना चाहिए कि वो प्रेशर में है, अपनी सहेलियों के संग है, उसकी पुआ की बेटी आई है, नानी की बेटी, काकी की बेटी, चाची की बेटी, भाभी, कौन कौन कथी कथी का कौन आई है उसके साथ, वो मैंने इंगेज है, वो कहीं कुर्सी पर बैठी है, हम नाश्ता भिजवाते हैं, ताले भूल गई होगी, उधर गई होगी, दूसरा काम में पहुँच गई होगी, होता है ना शादी विवाह में जी, तो क्या घमंडी हो गई, घमंडी नहीं हो गई, वो हालात में उसका व्यवहार बदल गया है, अभी व्यवहार बदल गया, आवृत्ति उसका ठीक है, हम जानते हैं कि लड़की ठीक है, हम लोग को हमको बुरा नहीं लगता है इस बात के लिए, क्योंकि हम इस बात को पढ़े हैं, मगर वही जगह आपके मामा जी गुस्सा जाते हैं, कहते हैं अंधेरा में आते हैं तो बड़ा अच्छा पूछती है चाय पानी की बउआ, अंधेरा में वाले तो बड़ा पूछताछ कर ला की बात है, तो पूछबो ना करीब वाला नाराज वाला क्या आइए, अजीब हाल है भैया, हम अपना में बिजी है, अपना दोस्तों दोस्त में फोटो खिंचा रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, उसका फोटो खींच रहे हैं, इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, तो आप होगा नहीं कि नाराज है, हम नाराज थोड़ी ना है, आप मामा जी आपसे बहुत क्रोधित हो जाते हैं, अक्सर देखिए शादी ब्याह में मामा जी फूफा जी जीजा जी सब गुस्सा आ जाते हैं, जानते क्यों, मामा जी फूफा जी जीजा जी सब कुछ अंधेरा में आते ज़्यादा सत्कार मिलता है, शादी ब्याह हम ज़्यादा लोग पूछता नहीं है, मामा जी क्या कुर्सी वाला लगवा दी ना, लगवा दी ना कुर्सी, अरे फूफा जी वो डीजे वाला नहीं आया, वो कहते कहते डीजल खत्म हो गया क्या, अरे भैया डीजा जी उधर परेशान, जीजा जी फिर कहते उधर पतवा लेकर आई था, वाह हम नौकरी समझ लिया साहब ना, कैसे के नौकर हैं, हाँ नहीं जाएंगे बराती हम, नहीं जाइए 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 आप लोग बराती नहीं जाएंगे, देखिए चलिए चलिए ना, क्या हुआ क्या हुआ, नहीं ना क्या हुआ क्या हुआ, ये करिए वो करिए, हर दिन अथी करिए, नहाए नहाए कहाँ अभी हम नहाए, जाइए नहा लीजिए, एक गाड़ी रुकवा देते हैं, गाड़ी में गए अगला सीट पर गए, देखिए अगला सीट फुल है, जाइए आप लोग जाइए जाइए हम जाएंगे, उन्हें से कहा क्या हुआ जी क्या हुआ, नहीं जाइए जाइए ना जाइए हम नहीं जाएंगे, छोड़िए कोई बात नहीं शादी नहीं होगा थोड़ी ना हम नहीं जाएंगे, तो जाइए जाइए, अब क्या हुआ भैया, अब तो नहा हुआ क्या आ गए, पता कि अगला सीट फुल हो गया ना इसलिए अगला बेड पर बैठ के जाना चाहते थे, वो अगला नहीं मिला उसको, वो लग नाराज हो जाएंगे, अजीब हाल है भैया, जो ना समझ इंसान होता है उसको यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि तो कुछ समझ ही नहीं रहा है कि वो जो फलाना आदमी है आपके लिए अच्छा से व्यवस्था करता, मगर प्रॉब्लम क्या है कि वो शादी विवाह में इंगेज है, आप पूजा में आते हैं 15 जनवरी 26 जनवरी में आते हैं, बिजी रहते हैं तो आप पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हम नहीं पसंद करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं, परंतु आप उस समय आते हैं तो उस समय हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, इसका मतलब नहीं कि हम घमंडी टीचर हो गए हैं, ये सोचने वाला ही लोग बेवकूफ़ है, और ये सोचना ही हमारा गलती है कि लड़की घमंडी हो गई है या लड़का घमंडी हो गया, नहीं हुआ है, वो अपने हालात के कारण से उसकी थोड़ा सा व्यवहार में परिवर्तन हो गया है, उसकी अभिव्यक्ति ठीक है, नियत इरादा ठीक है, उसका नियत नहीं था कि शिक्षक को बैठा के नाश्ता नहीं दे, उसका ये नियत नहीं था, बस वो भूल गया दूसरे काम में, तो उसका तो व्यवहार ना बदल गया थोड़ा सा, व्यवहार तो बुरा ही होता है, बदलता रहता है, फिर शादी का कल हो गया, जा सर जी को नाश्ता देने के लिए बोलिया सर जी कहले होते कि ना कहले होते है कि नहीं, तो दिमाग में आता है कि नहीं आता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है आप लोगों के साथ, किसी के साथ किसी भी होता है, तो आप ये आप बुरा समझ लगते हैं कि हम बुरे हैं इंसान हैं, या जो आदमी ये सोचता है आपके बारे में बुरा है वो गलत है, कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हर आदमी में हमारे घर में आप आते थे कि अभी कितना सा आपसे बात कर रहे हैं, मगर कोई फंक्शन वगैरह में आइएगा तो आपसे हम बात नहीं कर पाएँ, कहते कहीं बैठिए बैठिए खाना वाना मिल खा के जाइएगा, तो सर के ऐसे जुटे के बोल के चले गए, अपना खाना पीना खिला रहे हैं जिन्हें आज जुटो के कह रहे हैं कि खाना खा के जाइएगा, तो ये सब होता है, होता है कि नहीं होता है, तो आपको भी बुरा नहीं मानना चाहिए, सर बिजी हैं, हमको हमारा भी फर्ज है कि चलिए हम अपने से लेकर पता लेते हैं खाना वाला, खाना है भैया खाना दीजिए हमको, खाना खा के जा रहे हैं, होता है ना, तो हम लोग भी जाते हैं शादी ब्याह में, क्या करते हैं शादी ब्याह में जाते हैं ना।